अभी एक है राम भद्राचार्य, अपने आप को धर्मगुरु बोलते हैं राम भद्राचार्य, तो मैं उनको आचार्य तो नहीं कहूंगा क्योंकि उनको कुछ ज्ञान नहीं है, तो आचार्य कहना बहुत ही गलत बात है। वो अपने खुद में आचार्य कहलाए हैं तो अलग बात है, मैं नहीं कह सकता। कारण कारण क्या है, इंसान को सुनने के बाद पता चलता है इसके अंदर में गहराई कितनी है। किसी को भी सुनो, उसको सुनने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इसके अंदर कितनी गहराई है, कितनी गहराई से इंसान ये बात कर सकता है और कितनी गहराई तक जा सकता है। लेकिन उन्होंने भैया क्या किया, उन्होंने उनको छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में उनको बुलाया गया। इन्होंने इतना उल्टा सीधा बयान दिया, बयान क्या दिया मैं आपको इनका बयान बताता हूँ। इन्होंने बयान दिया कि बुद्ध को कोई समझ ही नहीं पाया, बुद्ध जी ने पूरे समाज को नपुंसक बना दिया। ये बयान सोचिएगा, हंसी आती है खुद को आचार्य कहे जाने वाले राम भद्राचार्य जी, इन्होंने इतना उल्टा सीधा बयान दिया है। अब इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ी धूम मची है, बहुत ही ज्यादा धूम मची है। लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, अपने अपने विचार रख रहे हैं, लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं, बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अभी तो सिर्फ ये कहा जा रहा है उनसे कि माफी मांग लीजिए तो अच्छा रहेगा। जब तक उनका वीडियो नहीं आता है कोई माफी वाला, तब तक इधर से चुपचाप नहीं बैठा जाएगा। और यहाँ पे हमारे जितने भी भिक्षु संघ हैं, सभी ने निर्धारित कर भी लिया है कि अगर ये जल्द जल्द में ही माफी नहीं मांगते हैं तो इन पर हर एक राज्य से FIR दर्ज होनी शुरू हो जाएगी। ये कहा गया है और होगा भी, क्योंकि बुद्ध से इस देश को पहचान मिली है और किसी से नहीं। बुद्ध से ही इस देश को पहचान मिली है भैया। अगर बुद्ध ना होते तो विश्व में ये विश्व गुरु नहीं कहा जाता भारत। अगर बुद्ध नहीं होते तो विश्व गुरु नहीं कहा जाता। ऐसे ही तथागत बुद्ध को विश्व गुरु नहीं कहा जाता है। अगर बुद्ध नहीं होते तो इस देश को पहचान न मिलती। आज भी तिरंगे पर जो ये धम्म चक्र है बुद्ध की ही निशानी है, लेकिन फिर भी लोग बुद्ध को इस तरीके से उछाल देते हैं, उन पर टिप्पणी कर देते हैं। तो ये चीज ये निर्धारण हो भी चुका है। तो मैं सोच रहा था इनके बारे में बैठा था तो मैं सोचा तो देखो ये ना बनी, कुछ हमको भी बोलना चाहिए। तो बोले चलो सही है, क्योंकि बुद्ध पर उंगली उठाना पूरे देश पर उंगली उठाना है। और पूरे देश पर ही नहीं, विश्व के जितने देशों में बौद्ध धर्म फैला हुआ है सभी देशों पर उंगली उठाना। हमें सभी से मतलब नहीं है, सभी से मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जितने हमारे देश में बुद्धिस्ट हैं, क्योंकि ये देश बुद्ध की जन्मभूमि है, यह देश बुद्ध की निशानी है, यह देश बुद्ध की धरोहर है। बुद्ध ने इस देश को नई पहचान दी है, नई शान दी है। और कुछ अज्ञानी लोग आकर के खुद को आचार्य बता करके बुद्ध जी पर उल्टी सीधी टिप्पणी कर जाते हैं। और यहाँ के लोग जो यहाँ के सर्वे सर्वा करता धरता है वो कुछ ना कहते, वो क्योंकि उनके लिए पूजनीय हो जाते हैं, वो कुछ नहीं कह पाते। कारण क्या है, चाहे तथागत बुद्ध हो, चाहे संत शिरोमणि संत रविदास हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो, ये एक अंतरराष्ट्रीय धरोहर है हमारे देश की। अगर इनके बारे में कोई कुछ बराबर बुरा और भला बोलता है तो उसका जवाब किसी और को देना नहीं होता भैया, यहाँ की मुख्य सरकार को देना होता है और किसी को देना नहीं होता। क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि कोई भी महापुरुषों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी क्यों करता है। खुद में बोलने वाला कि मैं बहुत बड़ा आचार्य हूँ राम भद्राचार्य, हम भद्राचार्य क्या नहीं सकते, हम कहते राम भ्रष्टाचार।
राम भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार है समझ लो भैया, कुछ भी आगे बोल के चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं ना, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है कि ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए चढ़ना जरूरी होता है और महापुरुषों के खिलाफ बोलने के लिए पढ़ना जरूरी होता है। जब तक पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, कुछ समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं समझो, उसके बाद में बोलो। कहा बताया भैया, दो शब्द के लिए लिखे हैं। समझिएगा, अरे बुद्ध तथागत के जैसा भारत में कोई महान नहीं, अरे बुद्ध तथागत के जैसा भारत में कोई महान नहीं, अरे बौद्ध धम्म को, अरे बौद्ध धम्म को झुका सके ऐसी है किसकी औकात नहीं। अरे बौद्ध धम्म को, हाँ बौद्ध धम्म को झुका सके ऐसी है किसी की औकात नहीं। भ्रष्टाचार के लिए, अरे बुद्ध तथागत ने हमको समता का पाठ पढ़ाया है, बुद्ध तथागत ने हमको समता का पाठ पढ़ाया है, दूर हो जाए बौद्ध धम्म बतलाया है, बुद्ध ने जैसी बात करी अभी ऐसी किसी में बात नहीं, बुद्ध ने जैसी बात करी अभी ऐसी किसी में बात नहीं। लेकिन ये नहीं कहता, लेकिन ये जब भी जब तक है, मैं जब तक जीवित हूँ भैया, ऐसे लोगों के खिलाफ वीडियो बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जान चली जाए, बौद्ध धम्म को झुकने ना देंगे भैया, बिल्कुल नहीं। अरे बौद्ध धम्म को, अरे बौद्ध धम्म को झुका सके ऐसी है किसी की औकात नहीं, बना दिया देश को। मतलब अगर कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है तो नपुंसक हो जाता है। मतलब हंसी आती इनकी सोच पर कि बुद्ध ने समता का पाठ पढ़ाया, कहा कि पाणादिपाता वीरमणि शिक्षा पदम समादयामि, मतलब किसी प्राणी को नहीं मारना है ये बताया है, और ये बताते हैं किसी को अगर नहीं मारते तो नपुंसक है भैया। मतलब कुछ भी कहना है, सुनो
अरे छुआछूत से दूर रहो, मानव मानव से प्यार करो। छुआछूत से दूर रहो, मानव मानव से प्यार करो। जातिवाद को तोड़ के भैया बौद्ध धम्म स्वीकार करो। बस यही बात फलती है कि ये समता का प्रतीक जब कोई जाति बिरादरी ना है भैया, और यही खलती है। इसलिए कहना है तुम चाहे कुछ भी कर लो, हम लोग पीछा ना छोड़ने वाले तुम्हारा। हाँ, बौद्ध धम्म का, अरे बौद्ध धम्म का, बौद्ध धम्म का झुका सके ऐसी है किसी की औकात समझिएगा। यहाँ पर इस तरीके से दर्शाया गया इन लोगों ने, क्या बता दिया, कुछ भी बोल देते हैं मुंह से, जुबान से निकल जाता है, इनके बाद में क्या कहते हैं भैया गलती हो गई। सोचिएगा, और ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल एफआईआर होनी चाहिए, इनको जेल में जाना चाहिए, बचना नहीं चाहिए ऐसे लोगों को। कहना इनके लिए स्पेशल खास करके ये सब इनके लिए है। अरे कैसे यहाँ पर बोल गयो तू भद्राचार्य न्यायी है का तेरी समझ ना आई। अरे कैसे यहाँ पर बोल गयो तू भद्राचार्य न्यायी रे का तेरी समझ ना आई। कैसे तुझको आचार कहे रहो, ये मन ही मन में सोच रहे। कैसे तुझको आचार कहे, ये मन ही मन में सोच रहे। अरे नहीं अकल बोलन की तुझको, नहीं अकल बोलन की तुझको, साफ रहे बतलाई रे का तोरी समझ ना आई रे। बात ये होती है, मान लिया हम किसी पर अगर टिप्पणी करते हैं, तब तुम अगर उल्टा करते हो तो कोई बात नहीं, चलो हम वार हो गया भैया, हम तो काऊ पे करते हो किसी पे ना बोलते, लेकिन तुम लोग फिर भैया जी बात पर सुनो, क्या दिक्कत है समझो। भद्राचार्य जी कहना है, बुद्ध से भारत को शान मिली, धम्म चक्र से सुनो पहचान
मिली, बुद्ध से भारत को शान मिली। धम्म चक्र से सुन पहचान मिली, अरे नहीं अकल तुझको सुन ले, है नहीं अकल तुझको सुन ले, क्यों रहो तू ऐसे पगलाई, का तेरी समझ ना आई। ऐसे लोगों को बिल्कुल जेल में जाना चाहिए, और मेरा भद्राचार्य जी से यही कहना है, एक वीडियो बनाइए और सिर्फ माफी नामा आप लोग माफी मांग लीजिए, वही फायदा है। नहीं तो भैया यहाँ से अगर शुरू होगा ना तो फिर बंद ना होगा। बिल्कुल सही बात, ये मेरा चैलेंज समझिए, कुछ भी समझिए, इससे मैं डरता नहीं। बहुत बहुत साधुवाद।